कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग कंप्यूटर ग्राफिक्स में। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D के बारे में करेंगे डिस्कशन। पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग इन 2D के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको 3D के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको अगर 2D ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आ गया तो 3D में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। 2D बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, इसके कंसेप्ट को डेवलप करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जिस टाइप मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आपको पूरा का पूरा जो आइडिया है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहां पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बुक अगर रेफर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रीड करते हैं। नहीं भी करेंगे तो ये वीडियो सफिशिएंट होगा इस टॉपिक के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो चेंज इन पोजिशन। एक पॉइंट है हम लोग का, उसको अगर मैं कहीं और पे ले जाऊं, ठीक है, इस पॉइंट को कहीं और ले जाऊं या इस पॉइंट को इधर ले जाऊं उधर ले जाऊं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, स्केल करते हैं ऑब्जेक्ट को, बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा ऑब्जेक्ट में, छोटे को बड़ा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, रोटेशन हम लोग सब जानते हैं, किसी भी एक सर्कुलर पाथ में मैं उसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अराउंड, किसी भी ओरिजिन के अराउंड, हर जगह से हम लोग कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कशन करेंगे इस पे ब्रीफली। रिफ्लेक्शन हम लोग को अच्छे से पता ही होगा क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं बताता। शेयरिंग के बारे में बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन करेंगे आगे अपने वीडियो में। ट्रांसफॉर्मेशन, तो भैया ये सारी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। चाहे मैं इसमें से कुछ भी करूं, मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। तो एक बार रीड कर लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर रहा हूं, साइज हो गया, शेप हो गया ऑब्जेक्ट का, और दे आर यूज्ड टू पोजीशन द ऑब्जेक्ट टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कुल मिला के वही बकवास लिखा है जो मैं आपको बता दिया। ये हमारे तीन बेसिक टाइप के, ये जो पहले तीन है हमारे बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और ये उनकी डिराइव ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, एक एक करके हम लोग इस पे अब चालू करते हैं अपना डिस्कशन। पहला देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूं क्या होता है, एक पॉइंट को अपनी जगह से उठा के कहीं और रख दो, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है, ये जो ट्रांसलेशन है हम लोग को यहाँ पे दो चीजों की जरूरत होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। एक होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, ये पॉइंट है मेरा एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट है मेरा एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ये जो डिस्टेंस होगा एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस का यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसको मैं बोला ट्रांसलेशन वेक्टर बोला जाता है या फिर शिफ्ट वेक्टर बोला जाता है। ये है मेरा tx है, ठीक है। अब वैसे ये क्या है, मेरा ty है, ट्रांसलेशन वेक्टर इन y डायरेक्शन। तो आप खुद ही सोचिए, x डायरेक्शन में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया बस tx का, y डायरेक्शन में क्या हुआ, बस इंक्रीमेंट हो गया ty का। तो वही है, जो मेरा नया कोऑर्डिनेट होगा ना, उसमें बस tx को जोड़ देंगे, ty को जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं इस वाले को इस तरफ अगर ले जाऊं, इस वाले को इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग क्या करना पड़े, प्लस करना पड़े। अगर मैं उसको इस तरफ ले जा रहा हूं, वेल एंड गुड, ठीक है, प्लस करें। अगर पीछे ले जाऊंगा तो माइनस भी करना होगा, मतलब कुल मिला के सिर्फ प्लस करना जरूरी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं यहां पे माइनस भी, मतलब एक पॉइंट को आगे भी ले जा सकता हूं, पीछे भी ले जा सकता हूं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखिए जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको बस ये अगर याद हो तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्या, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद है, इसके फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आपको एकदम रटना नहीं है, यही जो चीज है ना, यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। देखिए क्या है, यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स लिए, 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक्स कॉमा वाई है जो कि हम लोग का पुराना कोऑर्डिनेट था, प्लस टी एक्स टी वाई। अब आप खुद ही इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये क्या आएगा, एक्स और वाई, और इसमें प्लस हो रहा है टी एक्स और टी वाई, तो यही आ रहा है भाई, और कुछ नहीं है, यही इसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो इस तरीके से आएगा। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का आपको मैट्रिक्स फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट के लिए आखिर क्यों कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एकदम चिंटू मिंटू से एक ठो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा आइडिया एकदम क्लियर होगा। ट्रांसलेट करना है 0.2, 4, वेयर जो ये हमारे ट्रांसलेशन वेक्टर दिया है -1 और 14। कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन में हम लोग कुल मिला के क्या करते हैं, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन मैं उस सब्ट्रैक्शन को क्या बोलूंगा, जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा उसमें हम लोग प्लस ही कर रहे हैं। माइनस वाला अगर कोऑर्डिनेट हो गया तो भी मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, प्लस ही कर रहा हूँ। आपको याद ये रखना है, ट्रांसलेशन
प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। किसका एडिशन करते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। तो ये मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर दिया है, ये मेरा पॉइंट दिया, आप इसको ऐड कर देंगे, ये पॉइंट पी है, ट्रांसलेशन वेक्टर है, आपको क्या मिल जाएगा, नया पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी ऐसा रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एकदम सिंपल आपको अगर मैं बोलूं तो 2-1 इज व्हाट 1, 4+14 इज व्हाट 18, तो ये मेरा आ गया नया कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेट अ पॉलीगॉन, ट्रांसलेट करना है हम लोगों को पॉलीगॉन को, ए बी सी दिया है, 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन और 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, अपने को एक्स वाले कोऑर्डिनेट में 3 का इंक्रीमेंट कर देना है और वाई वाले कोऑर्डिनेट में क्या करना है, यहां पे कितने का, 4 का इंक्रीमेंट करना है। तो यहां पे हमारे नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। 2+3 5 हो गया, 4+7 इज व्हाट 11, तो ये आ गया ए डैश, वैसे बी डैश आ जाएगा, सी डैश आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग रोटेशन पे, हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए रोटेशन बहुत सिंपल, फिर नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा पॉइंट पी यहां पे है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, ये एंगल फाई पे, एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं यहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग का, ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हैं थीटा के सामने वाला, मतलब फाई के सामने वाला जो होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो आर कॉस फाई हो गया। ये क्या होगा हम लोग का, वाई कंपोनेंट होगा जो कि आर साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है। ये डिस्टेंस कितने पे है, आर डिस्टेंस पे, ये भी, क्योंकि ये हम लोग क्या किए, सिर्फ रोटेट किए, ठीक है। ये मेरा नया कोऑर्डिनेट हो गया, पी डैश इज इक्वल टू एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अब ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या हो गया, थीटा प्लस फाई। तो अगर मैं यहां पे नया एक्स लिखूं, नया एक्स कितना हो जाएगा मेरा, इतना ही होगा बस, ये नया एक्स, और नया वाई क्या होगा, बस इतना ही होगा। तो नया एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल होगा, तो आर कॉस थीटा प्लस फाई, ये लिख दिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिए, ये आ गया हम लोग का एक्स डैश का वैल्यू। वैसे ही वाई डैश के लिए क्या करेंगे, वाई साइन थीटा प्लस फाई कर देंगे, ये ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये आ गया मेरा वैल्यू, एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू मेरा निकल के आ गया। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखना है बोलने का मतलब, ये इस तरीके से एक्स डैश वाई डैश कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ये मेरे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार हम लोग को 1001 था, और वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, एक्स वाई को वहां पे मल्टीप्लाई किए प्लस हमारे ट्रांसलेशन वेक्टर कर रहे थे, वहां एडिशन होता था। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो इस चीज को ही हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यही आपको याद रखना है। ये जो आर हम लोग लिखे ना, इसको बोला जाता है रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पॉइंट पी, जो भी पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे 4.3 इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट करें बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री से इसको रोटेट किया जा रहा है। फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स आपको निकालना है और रिजल्टेंट पॉइंट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, रोटेशन मैट्रिक्स अभी आपको बताया सिर्फ इतना ही होता है, और पॉइंट्स निकालना है तो भाई यही हम लोग का फॉर्मूला है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, पुट किए यहाँ पे, मल्टीप्लाई आपने बचपन में करना सीखा होगा, ये इंटू ये प्लस ए इंटू ये मेरा एक हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये क्या मेरा 2x1 है, तो आंसर जो आएगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, 2x1 मैट्रिक्स आने वाला है, 2x1, दो रो एक कॉलम। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये, फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा हम लोग का, ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये, बहुत सिंपल है, ये हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। स्केलिंग क्या होता है, स्केलिंग नाम से ही पता चल रहा है, क्या कर रहे होंगे हम लोग वहां पे, स्केल कर रहे होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर स्केल करना है, बड़े से छोटा बनाना है, छोटे से बड़ा बनाना है, उसी को क्या बोला जाता है, स्केलिंग बोलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, नया कोऑर्डिनेट जो होगा, पिछली देखिए ट्रांसलेशन में क्या किया हम लोग, एडिशन किए, स्केलिंग में हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन करना होता है, किससे मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो स्केलिंग फैक्टर होते हैं, डेल एक्स बोला जाता है, एस एक्स बोली, जो भी आप बोलना चाहें, डेल एक्स और डेल वाई से आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आपका वो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्केल करते हैं, अगर स्केलिंग फैक्टर मेरे यहां पे लेस देन 1 है, 1 से अगर छोटे हैं तो साइज क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इक्वल है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केलिंग होगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसका करूं तो क्या होगा मेरा, इस तरीके से आ जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए, एस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू एक्स, डेल एक्स इंटू एक्स हो गया प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है, डेल एक्स हो गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो जाएगा मेरा, वाई इंटू डेल वाई। तो इस वाले मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलिंग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, पी डैश इज इक्वल टू एस पी, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।
स्केल अ पॉलीगॉन, हम लोग को एक पॉलीगॉन को स्केल करना है, ये हम लोग के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी और सी बाय टू यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, दो यूनिट एक्स डायरेक्शन में करना है और तीन यूनिट क्या करना है वाई डायरेक्शन में करना है। इसका मतलब कुल मिला के आपको क्या दिया हुआ है, डेल एक्स का वैल्यू दिया है वहां पे 2 और डेल वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 3। एक्स डायरेक्शन में जो स्केल करना है वो दो यूनिट से और वाई डायरेक्शन में जो स्केलिंग करना है वो तीन यूनिट से। तो हम लोग यहां पे जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, यहां पे डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और कोऑर्डिनेट जो हम लोग के वो क्या है, पहले इस वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग स्केल किए 2 और 5 को, तो ये आ गया मेरा नया कोऑर्डिनेट और इस वाले को हम लोग स्केल किए तो क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया, ठीक है समझ गया। और सी वाले कोऑर्डिनेट को भी किए तो ये आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी सा आइडिया है, बुक से पढ़ने जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, एकदम ईजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि अपने आप आपको देख के ही समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेंगे ना वीडियो लास्ट तक के देखेंगे और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत बोलना, ठीक है, शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेट अ स्क्वायर ए बी सी डी, हम लोग को यहां पे ट्रांसलेशन भी करना है ए बी सी डी, यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है बाय दो यूनिट इन बोथ डायरेक्शन, पहला चीज तो ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। आगे एंड स्केल इट बाय 1.5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड 0.5 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, डिटरमाइन द रिजल्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉलीगॉन। तो भैया पहले तो ट्रांसलेशन करना है दो यूनिट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में, तो ये हम लोग ट्रांसलेट कर दिए, दो दो को आप एड कर दीजिए सब में, ठीक है। आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी एकदम लंबा चौड़ा इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं एकदम आपको सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, इजी तरीके से समझ में आना चाहिए। दो दो हम लोग क्या किए यहां पे ऐड कर दिए, ठीक है, ये आ गया हम लोग का ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब क्या करना है आपको, स्केल भी करना है, स्केल भी करना है तो स्केलिंग में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन कितना करना है, ये डेल एक्स दिया हुआ है 1.5 और डेल वाई दिया है 0.5, तो ये मल्टीप्लीकेशन इस वाले कोऑर्डिनेट में मैं अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा 1.5 से 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.5 से 1 हो जाएगा। x वाले कोऑर्डिनेट में आपको इतना मल्टीप्लाई करना है, y वाले कोऑर्डिनेट में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है 0.5 करना है, सब में ऐसा कर देंगे आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीफाई द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है 0 0, इसको मैग्नीफाई करना है, मतलब क्या करना है, स्केल करना है, कितना, डबल, ट्वाइस अपने को मैग्नीफाई करना है, ठीक है। ट्रायंगल को सबसे पहले स्केल करेंगे, उसके बाद वाइल कीपिंग 5.2 फिक्स्ड, आप खुद ही सोच के देखिए 5.2 ये आपका जो भी एक ट्रायंगल यहां पे बनेगा, कैसा भी एक ट्रायंगल बनेगा, मान लीजिए 0 0 1 1 और 5.2 कहीं पे होगा, ये ऐसा ये ट्रायंगल होगा आपका, ठीक है। इसको आप अगर स्केल करेंगे, ऑब्वियसली स्केल करने पे क्या होने वाला है, ये ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, डबल करने वाले हम लोग, ऐसा कुछ बड़ा होगा, लेकिन ये बोल रहा है 5.2 को आपको क्या करना है, फिक्स रखना है। जब भी ऐसा बोल देता है ना, फिक्स रखना है या फिर पिवट पॉइंट होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 5.2 है, सबसे पहले आपकी क्या कीजिए, स्केल कर दीजिए, बिना देखे उसको स्केल कर दिए, यहां पे पहुंच गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको मेरे को वापस से वहीं पे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से ट्रांसलेट कर दूंगा, ट्रांसलेट करूंगा और 5.2 का पीछे ले जाऊंगा। तो वही चीज किया, पहले स्केल करके इसको हम लोग को ट्रायंगल बनाए, उसके बाद फिर ट्रांसलेट कर दिए। स्केलिंग किए, कैसे स्केलिंग किए, सबको डबल डबल कर दो भाई, डबल किए 0 0 1 1 को डबल किए 2 2 हो गया, इसको भी डबल किए तो 10.4 हो गया। ट्रांसलेट करना है अपने को, ट्रांसलेट करना है आगे करना है कि पीछे ले जाना है, भाई पीछे ले जाना है, तो जब प्लस करूंगा माइनस करूंगा, माइनस करूंगा तो माइनस कर देते हैं हम लोग, कितना माइनस करना है 5 और 2 माइनस कर दो सब में, तो देखिए 0 में से 5 को माइनस करूंगा माइनस 5, 0 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी माइनस किए और इसमें भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, ईजी है, बस थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रोटेट करना है एक ट्रायंगल को ए बी सी अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री से रोटेट करना है। भैया आपको मैट्रिक्स याद होना चाहिए, रोटेशन मैट्रिक्स, तो मैं आपको दिखा दूं फिर से, रोटेशन मैट्रिक्स क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये मेरे पुराने कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 45 डिग्री है तो एक पॉइंट है इसको रोटेट कीजिए, दूसरे पॉइंट है उसको रोटेट कीजिए, तीसरा पॉइंट है उसको रोटेट कीजिए, हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हूं ना, ऐसा ये कॉस 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है एकदम, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जरूर आपसे ये बन जाएगा। रोटेट द सेम ट्राइंगल, यही जो ट्राइंगल हम लोग को दिया हुआ है ए बी सी, इसको अभी हम लोग रोटेट किसके अबाउट किए, ओरिजिन के अबाउट किए, ओरिजिन के अबाउट किए, एक पॉइंट भी हम लोग का ओरिजिन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां पे हम लोग को रोटेट करना है उसको माइनस टू और माइनस टू, पिवोट एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करना है यहाँ पे रोटेशन करना है। तो आप खुद ही सोच के देखिए, अगर यहां पे मैं रोटेशन कर रहा हूं वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, यहां पे हो जाएगा एक बार में, लेकिन अगर यहां पे करूंगा तो, लेकिन ये वाला जो मेरा पॉइंट है ही क्या है, क्या इस ट्रायंगल में नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
मेरे को जो ओरिजिन में है, ये जो ओरिजिन में मेरा ट्रायंगल है उसको उठा के ले जाओ इस वाले पॉइंट पे। उसको उठा के ले गया मैं पिवट पॉइंट पे, मतलब मैं क्या किया, ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करने के बाद मैं क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद हम लोग क्या करना है, इसको अब इसके अबाउट रोटेट करना था, लेकिन हम लोग का ट्रायंगल क्या इस कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है, ये वाला कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं है, तो मेरे को इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, मेरे को इसके अबाउट बस रोटेट करना है। मैं क्या किया, ओरिजिन से उठा के ले गया इस पॉइंट पे, रोटेट किया इसके अबाउट, और उसके बाद फिर से वापस ले आया मैं कहां पे, ओरिजिन पे। मतलब ट्रायंगल को पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट किस तरफ करेंगे, पीछे करेंगे, वापस से। मैं आपको बताया था पिवट एलिमेंट में क्या करते हैं, ठीक है, पीछे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस पॉइंट पे लेके जाएंगे हम लोग, इस पॉइंट पे हम लोग को लेके जाना है। तो मेरा ओरिजिन ये है, मेरा ये माइनस टू मेरा इस तरफ होगा पीछे की तरफ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना है इसको पीछे की तरफ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट किया मैं तो मतलब माइनस करना होगा। तो जीरो जीरो था कोऑर्डिनेट, क्या था, जीरो जीरो टू टू फोर टू, तो माइनस कर देंगे, तो जीरो माइनस टू इज वॉट टू, फिर से जीरो माइनस टू इज वॉट टू, इस पॉइंट में भी से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू और टू को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे टू माइनस ऑफ माइनस टू, तो ये हो जाएगा फोर, वैसे वाला भी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, फोर माइनस ऑफ माइनस टू इज वॉट सिक्स, टू माइनस ऑफ माइनस टू इज वॉट फोर, तो ये मेरे नए कोऑर्डिनेट आ गए, ट्रांसलेट कर दिए। अब रोटेशन के लिए आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को आप रोटेट कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसको आप रोटेट किए इस तरीके से, बहुत सिंपल है, रोटेशन मैट्रिक्स ये होता है हम लोग का, ये पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, रोटेट किए ए डैश बी डैश और इस तरीके से आ जाएगा हम लोग का सी डैश, रोटेट किए, फिर से इसको क्या करना है, अब यहां पे हम लोग रोटेशन कर दिया, इसको वापस ले जाओ वहां पे, वापस ले जाएंगे तो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं पीछे लेके आया था तो माइनस किया था, इस बार मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ये जो है सब में इसका हम लोग को एडिशन कर देना है। तो देखिए ये मेरा पॉइंट आया था, इसमें एडिशन कर दो आप माइनस टू का, तो ये हो गया माइनस टू, इसमें एडिशन कर दो हम लोग का माइनस टू का, तो ये हो गया माइनस टू के साथ एडिशन कर दिया, फिर से यहां पे भी और यहां पे भी। आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया है ये तो बहुत इजी चीज है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्यों यूज करते हैं अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो देख सकते हैं आप यहां पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक से ज्यादा अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करें तो प्रोसेस क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, और कंप्यूटर में भी स्लो हो जाता है। तो उसी चीज को हम लोग को फास्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का यूज करते हैं, तो इसी प्रोसेस को थोड़ा फास्टली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स को बना देते हैं थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स में, ताकि हम लोग क्या हो जाए, हमारा ऑपरेशन जो है वो फास्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना रहता, बस ये जो हम लोग का 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है इसको हम लोग 3 एलिमेंट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस 2D को 3D में कन्वर्ट किया, इसका मतलब मैं ये जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2D हम लोग का जो हम लोग यहां पे मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डमी वेरिएबल से, एक डमी एलिमेंट से वहां पे क्या करेंगे, उसको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम लोग को क्या होगा, काफी फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, लोगों को ज्यादा दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। तो यहां पे एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, जहां पे आप 2D पॉइंट को 3 एलिमेंट वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या लिखा है अपने आप अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए जैसे अगर मैं ये 682 ऐसा अगर मैं लिखूं 682, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है मेरा, ये मेरा डमी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो H है जिसको हम लोग होमोजीनियस फैक्टर बोलते हैं, ये मेरा डमी कोऑर्डिनेट है। तो इस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा 3 और 4, तो ये पॉइंट का जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा मेरा, ये होगा। अब मेरे को 3 एलिमेंट वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा प्रोसेस हो जाएगा फास्ट। तो ये यही चीज डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये चीज तो हम लोग समझ गए। इसके लिए अपने को डमी कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। आपको हर बार क्या करना है, एक मैट्रिक्स को याद रखना है, जैसा हम लोग प्रीवियसली कर रहे थे, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ट्रांसलेशन हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, सिंपल ये होता है इक्वेशन। अब हम लोग ये 2D में पढ़े थे, 3D में आपको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को सारे के सारे जितने भी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आपको एक यहां पे एक मैट्रिक्स बनाना है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना उसका एक मैट्रिक्स बनाना है, उसको मल्टीप्लाई बस कर देना है आपके पुराने वाले मैट्रिक्स से। अब देखिए ये जो है ना मेरा, ये जो 1 लिखा हूं, ये मेरा डमी कोऑर्डिनेट है, देखिए 0 0 1 और यहां पे 1, हर बार हम लोग यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे 1 का यूज करेंगे। होमोजीनियस
स्क्वायर्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सेम है, देखिए एग्जैक्टली सेम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो ये लिखा हुआ है ना ये वही चीज है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां पे क्या किए, एक 1 को इंट्रोड्यूस कर दिए, जहां से वो डमी कोऑर्डिनेट की मदद से क्या हो गया, ये 3x3 एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तुरंत आपसे बनेंगे, बहुत ईजी लगेगा आपको ये चीज, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, रोटेशन करेंगे सेम यही चीज को, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब इस तरीके से, देखिए ये इस तरफ 1 एक डाल दिए और यहां पे 001 हो गया, बाकी सेम एज इट इज है भाई, कुछ भी अलग नहीं है, और यहां पे भी ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग, स्केलिंग के बारे में अगर मैं बोलूं तो सेम ये चीज हम लोग पढ़े थे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग का डमी कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस कर दिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा क्यों हम लोग इसको यूज करें, और बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन, अगला जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। हम लोग को क्या करना है, हर बार आप यही चीज समझ के रखिए कि मेरे को एक बनाना है मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स। रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन वाला मैट्रिक्स बनाना है, अगर मैं वो बना लिया मेरा काम हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले मैट्रिक्स को अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट वाला मैट्रिक्स होता है एक्स वाई और वन, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में देखेंगे वो सब चीज, यहां पे आप ये सीखिए कि कैसे हम लोग ये मैट्रिक्स लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे को यहां पे रिफ्लेक्शन करना है अबाउट एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट मेरे को रिफ्लेक्शन करना है, आप ये ट्रायंगल को उठा के इधर ले आइए, 180 डिग्री रोटेट कर दिए हम लोग, देखिए मेरे को रिफ्लेक्शन करना है। सबसे पहला ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से मेरे को रिफ्लेक्शन करना है, इसको आप उठाइए 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, तो इसी तरीके का कुछ आ जाएगा, ए डैश मेरा यहां चला जाएगा, बी डैश मेरा यहां होगा, सी डैश मेरा यहां होगा। तो ये बताइए क्या मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क, एक्स कोऑर्डिनेट तो भैया सेम है, फर्क कहां पे पड़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पे। तो देखिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पहला वाला होता है हम लोग का, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई को, और तीसरा वाला तो भैया डमी कोऑर्डिनेट है, 001 है, इस तरीके से हम लोग यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, एक्स वाला तो वही है, हम लोग का नॉर्मल जो मैट्रिक्स है, अगर मैं यहां के अगर मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1001, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, अब ये 11 है। अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करा दूं अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब वाई इक्वल टू 0, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं अबाउट एक्स एक्सिस तो क्या हो जाएगा, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस में चला गया, तो नेगेटिव एक्सिस में क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, कुछ हार्ड है क्या भाई। अब सेम चीज को अगर आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहेगा, नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। अगर आप ओरिजिन के अबाउट करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ओरिजिन के अबाउट जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, क्वाड्रेंट्स के अबाउट, तो ये इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, यहां दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आपका ये आ गया -1 -1, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझते हैं। अब देखिए मैं अलग अलग केस यहाँ पे लिया हूँ, कैसे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स लिखना आता है ना, तो 3x3 मैट्रिक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस 001 लगा देना नीचे में, ठीक है, कुछ नहीं है। तो देखिए अबाउट एक्स एक्सिस जो मैं आपको बताया अभी, अबाउट वाई एक्सिस जो मैं आपको बताया अभी, ठीक है, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में बस 001 लिख देना नीचे। देखिए अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, अगर मैं यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स, खुद ही आप यहाँ पे सोच के देखिए कि अगर मेरा लाइन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाइन है मेरा, ठीक है, ये यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू x का मतलब x और y को आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, 1001 होता है, तो हम लोग यहां पे x और y, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे इंटरचेंज बस कर देना है। पहले क्या था मेरा मैट्रिक्स 1001, आपको क्या करना है यहां पे, अगर ये लाइन है मेरा, अगर मेरा लाइन y एक्सिस में है, तो इस बार मेरा लाइन कहां पे चला जाएगा, x एक्सिस में चला जाएगा, बस आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन कर देना है, जितना ये ऊपर है उतना ये इधर हो जाएगा, पहले y में था अब चला जाएगा x में, तो आपका जो उल्टा हो जाएगा बस कोऑर्डिनेट, 1001 की जगह 0110, ठीक है। अब y इक्वल टू माइनस एक्स में क्या होगा, नॉर्मल है, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स वाला आप समझ गए, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस में है तो अब वो कहाँ चला जाएगा, माइनस एक्स वाले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, अब मेरा लाइन इधर चला जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, पहले वाई एक्सिस में था तो अब कहाँ चला जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस में चला जाएगा। तो अब देखिए ये चीज आप अगर लिख लिए हैं तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट माइनस माइनस कर दिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, वाई और एक्स क्या है, इक्वल है विथ माइनस साइन, तो यहाँ पे 0 -1 -1 और 0, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0, 0, 1, ये कहां चला गया हम लोग का, इस क्वाड्रेंट में, जो कि आपको बता दिया मैं, तो दोनों नेगेटिव कर दो आप, दोनों नेगेटिव कर दिए, समझ में आया।
फिर से x एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो सिंपल y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो, y कोऑर्डिनेट के अबाउट हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल ये अगर मेरा इस तरफ कोऑर्डिनेट ये है 1001 तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, बस x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू x में क्या होगा, इंटरचेंज कर दो आप, सिंपली इंटरचेंज कर दिया मैं, इसको इधर ले आया इसको इधर ले आया ये हो गया। y इक्वल टू माइनस x में क्या किया हम लोग, y इक्वल टू माइनस x में माइनस माइनस साइन लगा दिए, सिंपल। ओरिजिन के अबाउट क्या किया हम लोग, यहां पे क्वाड्रेंट के अबाउट चेंज हुआ तो क्वाड्रेंट के अबाउट जो भी होगा वो चीज कर दिए, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे अपने आप आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको बताना है, ए बी सी कोऑर्डिनेट है अबाउट लाइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप ये लिखना सीख गए हैं, अगर ये आप लिखना सीख गए तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, यही मैट्रिक्स अभी हम लोग लिखे थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना अपने पुराने मैट्रिक्स से, पुराने मैट्रिक्स से एक एक पॉइंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए भाई ए डैश अगर आप निकाल रहे हैं एकदम सस्ते तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं, एकदम लंबा चौड़ा इसको लिख के इस तरीके से, ये मेरा पुराना वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप लिखे पहले 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख दिए, पॉइंट्स लिख दिए हम लोग इस तरीके से, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर और ये हो जाएगा वन और ये तो वन ही होगा, तो ये क्या आ गया हम लोग का माइनस फोर और वन, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट वैसे ही तीसरा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग शेयरिंग देखते हैं, शेयरिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपने वैसे पढ़ा होगा क्लास 11th में शेयरिंग फोर्स वगैरह के बारे में, जिसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा इस तरीके का मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसको क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स अगर मैं लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अगर मैं यहां पे नीचे वाला जो फिक्स सपोर्ट है रिजिड सपोर्ट कर दूं, यहां पे अगर ये हिले ना यहां पर से, मतलब इसका बेस अगर कांस्टेंट है, तो मैं अगर यहां पर से फोर्स लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं y एक्सिस के अबाउट करता हूं तो ये क्या होगा, इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग फोर्स, जो हम लोग इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, शेयरिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा ही लेंथ में नहीं जाते, ये शेयरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। एक बुक ऑफ शेल, आपके ऐसे ऐसे बुक्स रखे हैं लाइब्रेरी में, इस तरीके से बुक्स रखे हैं, आप एक बुक बीच में से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसा क्या हो जाता है, ऐसा टिल्ट हो जाता है। इसका मतलब हम लोग क्या किए वहां पे, शेयर कर दिए उसको, शेयर हो गया वो अबाउट जो भी डेस्क होगा, इसी को बोला जाता है शेयरिंग, जिसको स्क्यूइंग भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट कर देता है शेप, देयर आर दो टाइप ऑफ शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस वाला क्या होगा, एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, वाई एक्सिस वाला क्या होगा, वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा। यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का कोऑर्डिनेट, देखिए यहां पे एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन बस शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, तो वाई वाला तो एज इट, जो मेरा नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एस एच एक्स इंटू वाई कॉमा वाई एक्सिस में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो यही चीज बस आपको याद रखना है, ये क्या होता है बस एक्स प्लस एस एच एक्स इंटू वाई, और वाई वाले के केस में क्या हो जाएगा, वाई प्लस एस एच वाई इंटू एक्स, बिल्कुल ऐसा है। तो एक्स डायरेक्शन में वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपको क्या याद रखना है, यहां पे जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्योंकि अपने को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से ही बनने वाले, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पे तीनों वन है, x का शेयरिंग कर रहे होंगे तो यहां पे एस एच एक्स आएगा, y का शेयरिंग कर रहे हैं तो यहां पे एस एच वाई आएगा, ये चीज याद रखना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन के अबाउट जो हम लोग यहां पे कंसेप्ट पढ़ रहे थे, x एक्सिस के अबाउट जो हम लोग का अगर मेरा क्वेश्चन आया तो मैं ये यूज करूंगा, ओरिजिन के अबाउट किया तो ये यूज करेंगे हम लोग, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाई एक्सिस के अबाउट करेंगे तो ये आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बता दिया, ये मैट्रिक्स अगर आप लिखना सीख गए तो बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो शेयर करना है यहाँ पे हम लोग को, ए जीरो जीरो दिया है, बी वन जीरो दिया है, वन वन दिया है, जीरो वन दिया है, बाय शेयरिंग वैक्टर, शेयरिंग वैक्टर दिया है हम लोग को एस एच एक्स, मतलब कि एस एच एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको शेयर करना है इस तरीके है, का है, इसको आपको शेयर करना है x डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए ये अगर हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें, वैसे आप कर सकते हैं पूरा मैट्रिक्स बना के, लेकिन अगर आप सिंपल अगर अपना लॉजिक लगाएं तो आपको क्या करना है, सिंपली a 0 0 1 0 1 1 और 0 1 है, तो आपको अगर यहां पे शेयर कर रहा हूं तो क्या मेरा बेस चेंज होगा,
बेस में मेरा कोई भी चेंजेस होंगे क्या? नहीं होने वाले, जो सी और डी कोऑर्डिनेट है यहीं पे चेंज होगा, सी और डी कोऑर्डिनेट में। और चाहे तो आप मैट्रिक्स वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स आपको बस याद रखना है कहाँ है भाई मैट्रिक्स मेरी, तो ये मेरा है मैट्रिक्स, आपको एक्स डायरेक्शन के अबाउट करना है, ये मैट्रिक्स आप लिखिए तो क्या हो जाएगा, एस एच एक्स मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 2 0 0 1 0 0 0 1, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक एक कोऑर्डिनेट के साथ तो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स। लेकिन अगर आप एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाएं तो ए ए तो वही रहेगा, बी वही रहेगा, सी में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो सी में कितना चेंज आएगा वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं सी यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है, तो सी देखिए यहाँ पर से 2 यूनिट आगे बढ़ गया है, 3 और ये जो हम लोग का यहाँ पे भी क्या हो गया, आगे बढ़ गया है, तो 2.1। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, अपने लॉजिक को भी लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, व्हेन शेयरिंग इज अप्लाइड ऑन बोथ द डायरेक्शन, अगर मैं दोनों डायरेक्शन में शेयरिंग लगाऊं, इसके क्वेश्चन आते हैं ऐसा, अगर लिखा हो साइमल्टेनियस आपको शेयरिंग करना है तो आपको सिंपल ये मैट्रिक्स याद रखना है, यहीं पे अगर एक्स डायरेक्शन में करते हैं तो यहां पे आता है, वाई डायरेक्शन में करते हैं तो एस एच वाई यहां पे आता है, तो यहां पे ए और बी लिख लो, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करते हैं तो जनरल फॉर्मुला है ये, ठीक है, अगर एक्स डायरेक्शन में करते हैं तो हम लोग को क्या करना रहेगा, बी को 0 डाल दो, अगर वाई डायरेक्शन में करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ए को 0 डाल देते हैं, और अगर साइमल्टेनियस करेंगे तो हम लोग को दोनों डालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अ पॉलीगॉन विद ए बी सी डी यहां पे हम लोग को दिया हुआ है, परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग। तो पहला हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, शेयरिंग विद ए इज इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 है, आप मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे ए 2 है, उसके बाद आपको क्या करना है, वाई शेयरिंग भी करना है बी इक्वल टू 3 के साथ, मतलब पहले एक्स शेयरिंग कर लो, आप एक्स शेयरिंग कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स लिखे मल्टीप्लाई किए एक एक कोऑर्डिनेट के साथ, देखिए एक एक कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग करेंगे, एक्स और वाई क्या होगा मेरा 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे पहला मिल जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 0.0, वैसे ही मैं दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए अगर करूंगा सेम मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1.0 1.0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हम लोग का, ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, वैसे ही तीसरा आ जाएगा, वैसे ही चौथा आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ये हम लोग कर दिए एक्स शेयरिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई शेयरिंग, यहाँ पे क्या बोला है, पहले आपको एक्स शेयरिंग करना है उसके बाद वाई शेयरिंग करना है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, दोनों एक साथ शेयरिंग करना है, तो बहुत सिंपल ही है, ठीक है, बहुत इजी सा अप्रोच है। वाई शेयरिंग अगर सिंपल यहां पे अगर हम लोग सिर्फ वाई शेयरिंग करें तो यहां पे एसएच वाई यहां पे होता है, जो भी आपका फैक्टर दिया है यहां पे लिख लो, आपको यहां पे क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका नया कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक-एक करके, ठीक है, यहां पे मैं लिख दिया हूं, इसको आप कर लेना खुद से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला था, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस के केस में इस बार मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स अगर आप लिख लिए तो आपको क्या करना है, बस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू जो आपका मैट्रिक्स होता है, जो जो भी आपका कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो ये सारे मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे, इजी सा अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये यहाँ हम लोग का क्वेश्चन है, ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का, जहाँ पे ए बी सी पॉइंट की वैल्यू दिया हुआ है, वेयर अंडरगोज, यहाँ पे हम लोग का कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ में एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऐसा बोला जाए पहले रोटेशन करना है उसके बाद फिर कुछ और करना है, तो देखिए जो सबसे लास्ट में करते हैं ना वो वाला मैट्रिक्स आपको सबसे पहले लिखना है, ये चीज बस आपको कंपोजिशन मैट्रिक्स में याद रखना है, कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखेंगे ये चीज। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, पहले आपको ट्रांसलेशन करना है 10 यूनिट से टू द राइट, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन करना है इन एक्स एक्सिस, व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आफ्टर बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लिख लीजिए पहले T1, ये मैं ट्रांसलेशन के लिए जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे उसके लिए यहां पे अगर मैं लिखूं क्या होता था, यहां पे TX TY होता था, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट कितना करना है, TX दिया है 10 दिया है, और ये मैं यहां पे मैट्रिक्स लिख दिया T1 पहला ट्रांसफॉर्मेशन, T2 जो है रिफ्लेक्शन करना है अबाउट एक्स एक्सिस, क्या होता है हम लोग का मैट्रिक्स ये होता है, कैसे लिखते हैं ये भी आपको बता दिया था, जो बाद में करते हैं उसको पहले लिखते हैं T2 इंटू T1, इसको मल्टीप्लाई किया मेरा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको एक एक करके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 -3 1, ये आया मेरा पहला पॉइंट 9 3, ठीक है, वैसे ही मेरा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, मैं ठीक है बिल्कुल सेम है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका, अगर निकल गया बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, तो इस तरीके से आप ए डैश आ गया बी डैश आ गया सी आप खुद से निकाल लेना, सिंपल है ईजी है कुछ भी हार्ड नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कई बार हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है, शो दैट रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू -x के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन करूं
तो वो इक्विवेलेंट है टू रिफ्लेक्शन रिलेटिव टू वाई एक्सिस फॉलोड बाय काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब देखिए, द मैट्रिक्स फॉर द रिफ्लेक्शन वाई, सबसे पहले यहां पे हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये शो करना है कि आपका अगर मैं रिफ्लेक्शन करूं वाई इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट, वो बिल्कुल सेम है किसके अबाउट, अगर मैं ये दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करूं, अगर मैं पहले वाई एक्सिस के अबाउट में क्या करता हूं उसको रिफ्लेक्ट करता हूं, उसके बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं, तो वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है वाई इक्वल टू माइनस एक्स के, ये मेरे को शो करना है। तो सबसे पहले y equal to minus x के अबाउट जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ये होता है। हम लोग प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, this is equivalent to the reflection about ये दो चीज जो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं t1 लिखूं यहाँ पे, t1 y axis के अबाउट जो हम लोग कर रहे हैं t1 लिखूं तो वो क्या होगा, ये होता है, ठीक है, लिखना भी सीख गए थे। t2 हम लोग क्या करना है, रोटेट करना है इसको 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्या होता है cos theta sin theta minus sin theta, और ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के लिए, यहाँ पे भी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के लिए, ये मेरा दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद कंपोजिशन, यहाँ पे कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले बाद वाले को लिखते हैं t2 dot t1, ये मेरा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्या ये बिल्कुल सेम है इस वाले के, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारा का सारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए हैं। अगले वीडियो में मिलता हूँ जहाँ पे हम लोग बिल्कुल यही, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है ना बहुत अच्छे से, तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी खास नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में 3D ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।